सुप्रभात छात्रों, आज हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो भी कार्य हम करते हैं वह सब क्रिया है। सोना, उठना, बैठना, जागना, सांस लेना भी क्रिया है। जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। आप देख सकते हैं एक लड़की नाच रही है जिसका नाम हमने रखा सीता, नाच रही है। बच्चा दूध पी रहा है, ये सभी क्रिया के उदाहरण हैं। इसमें नाच रही है, पी रहा है आदि क्रिया हैं। इन शब्दों से कार्य व्यापार अर्थात कर्म का बोध हो रहा है। व्याकरण में क्रिया एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द कहा जाता है जिस पर लिंग वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है। इस आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर ही पड़ता है और जिनमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अकर्मक क्रिया रोना, रेंगना, चलना आदि है। जैसे कि राकेश रोता है, सांप रेंगता है, बस चलती है। अब हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया अर्थात स प्लस कर्म, कर्म के साथ। जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि एक बच्ची लिख रही है, मैं लेख लिखता हूँ। लिखना यहाँ पर क्रिया है और लेख यहाँ पर कर्म है। सुरेश मिठाई खाता है, खाना क्रिया है लेकिन मिठाई कर्म है। इसी प्रकार मीरा फल लाती है, लाना क्रिया है लेकिन फल कर्म है। भवरा फूलों का रस पीता है, पीना क्रिया है लेकिन फूलों का रस कर्म है। हम कह सकते हैं कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों ही हमारे साथ चलती रहती हैं, लेकिन कुछ क्रियाएं हमारे कर्म के साथ जुड़ी हुई होती हैं और कुछ क्रियाएं सिर्फ क्रिया ही होती हैं। धन्यवाद छात्रों, आज आप मुझे उम्मीद है कि आपने इस उदाहरण और इस चित्र के माध्यम से आप क्रिया के महत्व को भी जान लिया और क्रिया के स्वरूप को भी पहचान लिया।